जैन वॉरियर्स वेलकम टू एम्बाइव अचीवर्स नेटवर्क एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ डेली करंट अफेयर्स वंस अगेन चले हुए सब सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स क्लास स्टार्ट हो चुकी है जितने लोग भी पहली बार चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें जिन्होंने वॉरियर्स अभी तक एम बाई पी अपिकेशन डाउनलोड नहीं करी है एम बाई एप्लीकेशन डाउनलोड करिए वॉरियर्स जहाँ पर आपको मिलती है ए आई बेस्ड लर्निंग हर चीज़ आप लोगों के लिए वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है जैसे ही आप अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे आप वहाँ पर लाइव बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं साथ ही साथ बुक्स एंड मॉक टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं सी डी एस एंड एन डी ए ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आपके लिए स्टार्ट हो चुका रेजिमेंट सीरीज आप यूट्यूब पे भी इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं इज नो नो आर चार्जेस उसके साथ साथ एमबाइप के एप्लीकेशन जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां पे उसको डाउनलोड करके अपनी एग्जाम कैटेगरी सी डी एस एंड एनडीए रिस्पेक्टिवली सेलेक्ट करके आप इस बैच को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास वॉरियर्स पहली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे हम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है न्यूज वन इज मध्य प्रदेश सांची बिकम्स कंट्रीज फर्स्ट सोलर सिटी भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये न्यूज आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन बना है कौन सी है तो सांची जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है वो जो है अब पहली सोलर सिटी बन चुकी है इन मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान द कंट्रीज़ फर्स्ट सोलर सिटी सांची रिसेंटली इन दिस ओकेजन ही सेट सांची वुड सून बिकम जीरो सिटी ध्यान रखना है मिस्टर चौहान सेट दैट एज पर दिश ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वी हैव इनोग्रेटेड दी फर्स्ट सोलर सिटी इन मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर कॉल्ड अपॉन दीपल टू प्लांट ट्रीज टू एंड मैक्माइज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अब हमारे देश में क्लाइमेट को लेकर बहुत ही सीरियस स्टेप्स उठाए गए हैं सोलर अलायंस स्टार्ट किया गया है अब वैसे ही सोलर सिटी जो है भारत की पहली जो है सांची बन चुकी है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ये आपको न्यूज़ जो है ध्यान में रखनी है आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स अब देखो भाई व्हाट इज़ टू बी डन एज अ सोलर सिटी रूफ टॉप सोलर पैनल्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन ऑल इंस्टीट्यूशन लाइक रेलवे स्टेशन गवर्नमेंट स्कूल्स स्कूल्स गवर्नमेंट ऑफिसेज स्ट्रीट लाइट्स एंड पोस्ट ऑफिस इन सांची तो ये जगह पे जितने भी है सोलर रूफ टॉप्स जो है यहाँ पे बने हैं ये आपको ध्यान में रखना है उसके साथ साथ सोलर स्टडी लैम्प आर आल्सो बीइंग यूज्ड इन होम्स इन दी सिटी तो अब क्या है हर चीज़ जो है सोलर लिंक ही रहेगी वहाँ पे सोलर रिलेटेड ही रहेगी एनुअली

बिकॉज अब क्या है एनर्जी रिलेटेड वैसे रिसेंटली हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने जो है एक हाइड्रोजन प्लस इथेनॉल फ्यूल जो है प्रॉपर कार्स को लॉन्च किया है तो भी उसमें भी जो है फोकस uh, किया जा रहा है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल जो है अब हम देश के अंदर यूज करें तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है क्लियर है सबको एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके जो है सबके सब मुझे बताएंगे शाबाश एवरीवन आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स नेक्स्ट न्यूज नेक्स्ट न्यूज अगेन इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना हिटाची पेमेंट सर्विसेज लॉन्चेज इंडिया फर्स्ट एवर यू पी आई ए टी एम विद एन पी सी आई ये भी आपको ध्यान में रखना है इंपॉर्टेंट है इंडिया फर्स्ट यूपीआई ए टी एम वॉज लॉन्च रिसेंटली एज वाइट लेवल ए टी एम डब्ल्यू एल एच इसको बोलते हैं वाइट बाई इटाची पेमेंट सर्विसेज इन कोलाबोरेशन विद द नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू एनेबल सीमलेस कैश विदड्रॉवल्स एलिमिनेटिंग द नीड टू कैरी फिजिकल ए टी एम कार्ड ये आपको जो है ध्यान में रखना है इट ऑफर्स एन एक्सपीरियंस दैट अलाउज़ कस्टमर्स ऑफ सर्टेन बैंक टू एंजॉय क्यू आर बेस्ड कैशलेस विदड्रॉवल्स दिस इनिशिएटिव दिस इनोवेटिव कॉन्सेप्ट इज डिजाइंड टू प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कैश इवन इन रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया विदाउट नीड ऑफ फिजिकल कार्ड तो यह आपको ध्यान रखना है इसकी वजह से जो रिमोट एरियाज है फिजिकल कार्ड के बिना भी जो है बेसिकली क्या किया जा सकता है कैश को जो है विदड्रॉ किया जा सकता है यह आपको ध्यान में रखना है अब देखिए भैया काम कैसे करता है द यूपीआई ए टी एम सर्विस

आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स नेक्स्ट न्यूज की तरफ आई ए एफ इंडियन एयरफोर्स एंड द्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया टू को होस्ट भारत द्रोन शक्ति ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एट आई एफ बेस इन हिंडन, गाजियाबाद अब ये न्यूज डिफेंस रिलेटेड है काफी ज्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में पूछी जाए आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आ, होस्ट किसने किया है भारत द्रोन शक्ति को इंडियन एयरफोर्स एंड द्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इन्होंने इसको होस्ट किया है कहाँ पर हुई है ये ये भी आपको ध्यान रखना है इंडियन एयर एयरबेस बेसिकली हिंडन गाजियाबाद में जो एयरपोर्ट है इंडियन uh, एयरफोर्स का वहां पर जो है बेसिकली इसको क्या किया गया है होस्ट किया गया है थोड़ा डिटेल्स देखते हैं इस न्यूज की जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है इंडियन एयरफोर्स एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया विल को होस्ट भारत ड्रोन शक्ति 2023 एट इंडियन एयरफोर्स एयरवेज इन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश फ्रॉम ट्वेंटी ऑफ दिस मंथ डिफेंस मिनिस्ट्री सेट द यूजेज ऑफ द्रोन इन इंडिया इज सींग एज इंक्रीज बोथ इन द मिलिट्री एज वेल एज इन दिविल डोमेन अब क्या है भारत में जो है बेसिकली बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर तो जितने भी हमारे डिफेंस इक्विपमेंट है इंडिजिनस डेवलपमेंट के ऊपर जो है उसमें ज्यादा फोकस किया जा रहा है रिसेंटली जो है भारत ने बेसिकली लॉन्च भी किया है एंटी द्रोन सिस्टम भी जो है लॉन्च किया गया है तो वो भी आपको ध्यान रखना है कल हमने कवर किया था जिन्होंने भाई क्लास नहीं देखी है कल वाली प्लीज लगा लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आगे बढ़ेंगे भारत शक्ति विल दी इंडस्ट्री फुल लाइव एरियल तो ये जो है आपको ध्यान रखना है फिफ्टी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो है होस्ट करे जाएंगे इट विल शोकेस सर्वे ड्रोन एग्रीकल्चरल ड्रोन फायर सप्रेशन ड्रोन And tactical surveillance drones and witness participating more than 75 drone startups and corporates. तो so, यहाँ पे जो है जितने भी startups है, drone बनाने वाली companies है, वो अलग-अलग तरीके के जो drones हैं, उनको यहाँ पे basically क्या करेंगी? Showcase करेंगी अपना capability. ये आपको ध्यान रखना है. The event is expected to attract around 5,000 attendees, including representative of central government, state department. पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज आर्म फोर्स पैरामिलिट्री फोर्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम दी फ्रेंडली कंट्रीज भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगी तो आपको बस बेसिक चीजें ध्यान रखनी है किस चीज से रिलेटेड जो है ये है ड्रोन से रिलेटेड ये जो है आ, करी जा रही है एक्सरसाइज उसके साथ साथ जो है इसको होस्ट जो है इंडियन एयरफोर्स ने किया है उसके बाद आपको ध्यान रखना है इंडियन गाजियाबाद में जो है इसको होस्ट किया गया है आई ए एफ बेस में दैट इज दी दैट दीज आर दी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर Clear है सबको एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई शाबाश एवरीवन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज इज अगेन इंपॉर्टेंट Amazon India to provide employment opportunities to persons with disabilities in the five state तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पर्सन विद डिसबिलिटी को जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी किस जायंट ने किस कंपनी ने डिसाइड किया है प्रोवाइड करवाने का तो आपको ध्यान रखना है Amazon ने जो है ये

महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक एंड तमिलनाडु जो है आपको ध्यान में रखना है ये जो है बेसिकली इन स्टेट के साथ जो है अमेजॉन इंडिया ने जो है ये अग्रीमेंट साइन किया है कि इन स्टेट्स में जो पर्सन विद डिसबिलिटीज हैं उनको जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है अमेजॉन इंडिया जो है प्रोवाइड करवाएगा ये आपको ध्यान रखना है द अग्रीमेंट स्टेट्स विल बी वेलेटिल्वेंटी सिक्स अंडर दीमेंट अमेजॉन इंडिया विद डिस ऑन दी जॉब ट्रेनिंग एंड इंटरवेंशन एंड क्रिएट एनवायरमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड इंक्लूजन ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है क्लियर है सबको चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स नेक्स्ट न्यूज इज अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज फाइव आर्मी लॉन्चेस प्रोजेक्ट नमन फॉर वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विस मैन एंड किन ऑफ मार्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज डिफेंस रिलेटेड आज हमने देखो डिफेंस रिलेटेड काफी न्यूज है तो आर हाई कि आपका जो 2024 में एनडीए एंड CDS एग्जाम है वहां पे पूछी जा सकती है ये आपको ध्यान रखना है आर्मी ने जो है प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है ठीक है क्लियर है चलिए भाई

The first such सच will be established in Delhi Cantonment soon. ये आपको सबसे पहले जो है दिल्ली कैंटोनमेंट में जो है लाइफ विद द फर्स्ट सेंटर इन डेली कंटोनमेंट प्रोजेक्ट नमन जो है बेसिकली डेडिकेटेड है एक सर्विस मैन को एंड केन्स को द लमन सेंटर विल होस्ट कॉमन सर्विस सेंटर ऑफरिंग गवर्नमेंट टू कस्टमर सर्विस असिस्टिंग एंड अपडेटिंग पेंशनर्स अकाउंट ऑन दश पोर्टल तो डिजिटल हेल्प जो है इससे प्रोवाइड करवाई जाएगी और जो स्पर्श पोर्टल है यह आपको ध्यान रखना है स्पर्श इज अ पोर्टल बाय मिनट्री ऑफ डिफेंस ऑफरिंग ट्रांसपेरेंट पेंशन अकाउंट मैनेजमेंट ऑफ आर्म फोर्सिस पर्सनल एंड डिफेंस सिविलियन इट मेंटेन्स अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ पेंशनर इवेंट एंड एंटाइटलमेंट इन्श्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन पेंशन अकाउंट्स Defence pensioner will be given a complete transparent view of his pension account through the portal which will capture and maintain complete history of event and entitlements. The pensioner writes from the date of commencement of the pension. टू दी डेट ऑफ सस्टेंशन ऑफ बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है, है किसी भी एक सर्विसमैन की तब से लेके जब तक तो पेंशन खत्म हो रही है उस चीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली स्पर्श पोर्टल में प्रोवाइड करवाई जाएंगी आगे बढ़ेंगे अब देखिए सिस्टम वुल केटर टू ऑल एक्टिविटीज ऑफ पेंशन साइकिल इनिशियशन उसका सेंक्शन डिसबर्समेंट रिविजन सर्विस एंड ग्रेविंस रिक्वेस्ट मैनेजमेंट पूरी चीजें जो है स्पर्श पोर्टल के अंदर रहेंगी आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स नेक्स्ट न्यूज अमूल इज ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन कंटेंचेंट एट हउज एशियन गेम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है क्लियर है हां जी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए चलिए आगे बढ़ते हैं तो अमूल आपको ध्यान रखना है अब ऑफिशियल स्पॉन्सर है भारत का अमूल इज एज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन कंटिजेंट फॉर दिन एशियन गेम्स 2022 दैट इज टू बी हेल्ड इन ट्वेंटी चाइना फ्रॉम सितंबर 23 थ्री टू अक्टूबर एट ट्वेंटी एज पार्ट ऑफ दिस एसोसिएशन अमूल विल यूज द इंटीग्रेटेड लोगो इन इट्स कम्युनिकेशन टू सेलिब्रेट द एफर्ट ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन ये आपको ध्यान में रखना है Amul has partnered with Indian sports person through the Indian Olympic Association since London 2022 Olympic for all Indian contingent to Olympics, Commonwealth गेम Asian Games. तो बेसिकली अब आपको इंपॉर्टेंट चीजें भाई ध्यान रखनी है इंटरनेशनल लेवल की न्यूज है प्लस इसको आप नेशनल लेवल के साथ मर्ज कर सकते हैं स्पोर्ट्स के साथ मर्ज कर सकते हैं तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो हांगजसोंग में एशियन गेम्स का जो एडिशन है नाइनटीन एशियन जो 2022 के अभी हेल्ड होंगे उसमें जो है भारत का पार्टनर कौन है वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है तो वो आपको ध्यान रखना है वो है अमूल और कहां हो रहे हैं वो भी आपको ध्यान रखना है हंसाउ चाइना में जो है वो होंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं

caledonia encompassing areas like new zealand and new caledonia it was part of asian supercontinent gondwana separating from

सबमर्ज हो गया था और गोंडवाना से 105 मिलियन ईयर्स पहले जो है ये सेपरेट होके डूब गया था वेव्स के अंदर अब इसको बेसिकली साइंटिस्ट ने जो है एक तरीके से अनवील किया है तो ये आपको ध्यान रखना ज़िलैंडिया जो है इसका नाम है नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स डॉक्टर पवन कुमार अवार्डेड ललित कला अकेडमी नेशनल अवार्ड अवार्ड एन ऑनर्स का यह करंट अफेयर है अगर पूछा जाए आपसे कि ललित कला अकेडमी नेशनल अवार्ड किन को दिया गया है डॉक्टर पवन कुमार जी को जो है यह अवार्ड दिया गया है डॉक्टर पवन कुमार एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट सॉरी ऑफ फाइन आर्ट्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वॉज अवार्डेड दी ललित कला अकेडमी नेशनल अवार्ड इन द फील्ड ऑफ फोटोग्राफी National Award Distribution Ceremony of uh, Lalit Kala Academy at 63rd National Art Exhibition was held in Kamani Auditorium, New Delhi. The award winner was given two lakh rupees, copper plaque, and shawl from the academy. The exhibition was organized in the art gallery of Lalit Kala Academy. अलॉन्ग विथ दी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी विच वॉज ऑर्गनाइज इन न्यू डेली इट सेल्फ तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी सेरेमनी कहाँ हुई है दिल्ली में हुई थी अवार्ड किसको मिला है ये भी आपको ध्यान रखना है डॉक्टर पवर कुमार जी जो एसोसिएट बेसिकली एसोसिएट प्रोफेसर है फाइन आर्ट्स कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी में उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है ललित कला एकेडमी की बात करें वॉरियर्स तो 5 अगस्त उन्नीस को जो है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मौलान अबुल कलाम आजाद जी ने जो है इसको इसको बेसिकली किया किया था और इसको किया गया था और रजिस्टर गया सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के तहत 11 मार्च उन्नीस को ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको ध्यान में रखना है एंड वी नागदास जो है इसके चेयरमैन है चलिए वही वॉरियर्स तो अब बढ़ते हैं आगे अब करेंगे रिविजन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है सबको बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट सोलर सिटी इन कंट्री सांची कोची वाराणसी या फिर नागपुर नागौर सॉरी हां जी बिल्कुल सही आंसर है सांची आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है फर्स्ट सोलर सिटी ये बन चुकी है आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखते भाई फॉलोइंग पेमेंट सर्विस इंडिया फर्स्ट यूपीआई ए टी एम और इंटर ऑपरेबल कार्ड कैश विद्रॉवल जिससे कि रिमोट एरिया में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी क्या करने में कैश निकालने में चलिए जल्दी जल्दी बताइए शाबाश सही आंसर क्या होगा हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है हिटाची आपको ध्यान रखना है इसका करेक्ट है आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंडियन एयरफोर्स एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया इज गोइंग टू को होस्ट भारत ड्रोन शक्ति 2023 ये कहां पर जो है ये कंडक्ट करवाई जाएगी यार ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट जोधपुर हिंडन अंबाला या फिर बैरकपुर एयरफोर्स स्टेशन चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए वेरी गुड एवरी बिल्कुल सही है हिंडन एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद आपको ध्यान रखना है सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे Which e-commerce company has signed agreement with five states recently to provide employment opportunities to persons with disability? बहुत ज़्यादा आसान पांच राज्यों के साथ जो है ये agreement sign करी है Amazon India ने जो है ये agreement sign करी है ये आपको ध्यान रखना है चलिए भाई अगला क्वेश्चन वे भारतीय सेना ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट जो एक सर्विसमैन एंड किन ऑफ मार्टर्स को जो है एक वेलफेयर प्रोग्राम तर, तरीके से हेल्प करेगा उनका पेंशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी प्रोजेक्ट गोल्डन वॉरियर्स प्रोजेक्ट शेक हैंड प्रोजेक्ट सम्मान या फिर प्रोजेक्ट नमन चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए बिल्कुल सही प्रोजेक्ट नमन आपको ध्यान रखना है इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है Next question Who among the following has recently been declared as the official sponsor of Indian contingent for 19th Asian Games 2022 to be held in Hongzhou? Amul Dream 11 Geo Yafir SBI. Absolutely correct. Amul is the correct answer. What is the name of long and narrow microcontinent submerged in the South Pacific Ocean that geoscientists have unveiled recently? जी चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए शाबाश एब सल्यूटली करेक्ट आंसर सबका सही है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड डॉक्टर पवन कुमार ऑफ कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी अवार्डेड रिसेंटली बाय ललित कला अकेडमी अवार्ड पेंटिंग में में, फोटोग्राफी में या फिर वुड आर्ट में चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके सही सही। आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल फोटोग्राफी जो है आपको ध्यान रखना है बिल्कुल सही है तो वॉरियर्स ये थे भाई आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स अलोंग विद इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज जरूर करिएगा क्लास को काफी इंपॉर्टेंट सेशन था आज का अरेंजमेंट सीरीज को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं सी डी एस एन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को अगर आप टारगेट कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे आप इस सीरीज की क्लासेस लगाइए एम बाइप की एप्लीकेशन के ऊपर उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल पे भी आप लगा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आपको जो है उससे हेल्प मिलेगी जिन्होंने भाई अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ जाके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स वहाँ पे रेगुलर क्लासेस के लिंक्स क्लासेस रिलेटेड पीडीएफ और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेजेज जो आपके साथ वहाँ पर शेयर करे जाते हैं क्लास एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चानल, चानल को जरूर सब्सक्राइब करिए शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा वॉरियर्स जिससे कि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है जय हिंद